नमस्ते, मैं आरती खबर लहरिया से। आइए सुनते हैं आज 19 जून 2019 की दिन भर की मुख्य खबरें। महोबा के लिए एक खुशखबरी, योगी सरकार ने महोबा जिले को दी बड़ी सौगात। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज की दी मंजूरी। जिला प्रशासन की कायवा दत्त रंगलाई, जिलाधिकारी ने स्थल निरीक्षण कर लिया, भूमि का चयन किया। जल्द ही चरखारी रोड पर 20 बेडों का 20 एकड़ की भूमि में बनेगा भव्य मेडिकल कॉलेज। फतेहपुर में भीषण सड़क हादसे में फिर दहला जिला, ट्रक बस की सीधी टक्कर में करीब 10 की मौत, 2 दर्जन से अधिक घायल। अयोध्या में नहाते समय 3 बच्चे तालाब में डूबे, पुलिस के साथ गोताखोर कर रहे तालाब। कोतवाली नगर के चनौरा पक्का तालाब की घटना, चनौरा गांव के रहने वाले हैं 3 बच्चे। बिहार में फैले जानलेवा चमकी बुखार का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, देखते ही देखते इस बीमारी में महामारी का रूप ले लिया और 113 बच्चों की जान ले ली। अब ये खौफ इतना फैल गया है कि लोग अपना गांव छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वहां माँ बाप के मन में खौफ है कि कहीं उनके बच्चे भी इसी बीमारी का शिकार न हो जाए। मुजफ्फर के अलावा वैशाली के कई गाँवों से भी लोग पलायन कर रहे हैं। ICC विश्व कप के अहम मुकाबले में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच बर्मिंघम के एक बेस्टन मैदान पर मैच हो रहा है। विश्व कप में दोनों टीम अब तक 7 बार आमना सामना कर चुकी है। इसमें न्यूजीलैंड ने 5 बार और दक्षिण अफ्रीका ने 2 मैच जीते। इंग्लैंड में दोनों टीमों के बीच बर्मिंघम में 1999 में मुकाबला हुआ था, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। दक्षिण अफ्रीका को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए मैच हर हाल में जीतना होगा। वहीं न्यूजीलैंड में भी टूर्नामेंट में अजय बने रहने की पूरी कोशिश करेगी। दिल्ली के मुखर्जी नगर में ऑटो चालक सरबजीत की पिटाई का मामला तोड़ पकड़ता ही जा रहा है, लेकिन इस मामले का एक पहलू और भी है, और वो ये है कि सरबजीत जब कृपाण हाथ में लहरा रहा था, तब एक को छोड़कर बाकी सभी पुलिस वाले डर कर दूर हट गए थे। वो एक अकेला पुलिस वाला सरबजीत से उलझा हुआ था, उसके हाथ से किसी तरह कृपाण छुड़ाना चाहता था, जबकि बाकी पुलिस वाले दूर छिटक रहे थे। कायदे में देखे तो सादी वर्दी में ही सही उस वक्त वही अकेला पुलिस वाला अपना फर्ज निभा रहा था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चिनानी इलाके में पिछले कई घंटों से कई बच्चों की जान आफत में फंसी है। यहां ट्रॉली की रस्सी टूट जाने के नदी पार करने बच्चे बीच में ही फंस गए। मौके पर प्रशासन ने बचाव कार्य में जुटा। उधमपुर की चिनौनी तहसील के अंतर्गत आने वाले पटनगर गाड़िया धानस क्षेत्र में बुधवार सुबह हर दिन लकड़ी ट्रॉली के जरिए नदी पार कर स्कूल जाते हैं, लेकिन आज इन बच्चों की जान आज आफत में फंस गई, क्योंकि जिस वक्त बच्चे नदी पार कर रहे थे उसी वक्त इस ट्रॉली की रस्सी अचानक टूट गई, जिसके कारण बच्चे ट्रॉली में ही फंसे रह गए। जैसे ही इस बात की जानकारी तहसील प्रशासन के आला अधिकारी को मिली, वह दल बल के अलावा क्रेन के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए और क्रेन की मदद से बच्चों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये थी दिन भर की मुख्य खबरें। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए नमस्ते।